चलिए साथियों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं और सूत्रों के हवाले जो ज़्यादातर खबर रहते हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। और इसके अलावा थोड़े समय बाद जैसे कि वीडियो डालने के बाद हम आपको प्रूफ भी देते रहते हैं, इसलिए आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल की अपडेट ये आ रही है कि आप लोग पता है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, राइट, लेकिन उसमें से अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है खबर कि जो कुलपति हैं रुहेलखंड के, उन्होंने टोटली 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, राइट। 10 लोगों के साथ मीटिंग हो चुकी है, बस अब शासन को रिपोर्ट भेजना है, क्या क्या होगा सारी चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों को प्रमोट करने को लेकर कुलपति ने की बैठक, राइट। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, कुलपति ने विश्वविद्यालय स्तर पर बनाई 10 सदस्यीय कमेटी, शासन के निर्देश पर बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने के संबंध में एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने विश्वविद्यालय की 10 सदस्यीय कमेटी के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मानक निर्धारण को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद शाम को शासन के माध्यम से कमेटी में शामिल 3 कुलपतियों ने भी वर्चुअल बैठक की। आप समझ सकते हैं कि 10 सदस्य ये हुए और उसके बाद शाम को जो 3 सदस्य बनाए गए थे यहाँ पे लखनऊ के, CSJMU के और रुहेलखंड के, सभी ने अपना शाम को मीटिंग किया है। और इसके बाद देख सकते हैं आगे, जिसमें कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह भी मौजूद रहे। 3 कुलपतियों की कमेटी को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है। यह कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसी आधार पर प्रदेश के सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। बता दें कि शासन ने गुरुवार को 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी। शासन के निर्देश पर कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने पिछले वर्ष बनी कमेटी के सभी 10 सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार, चीफ प्रॉक्टर JN मौर्या, प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव, प्रोफेसर PB सिंह, प्रोफेसर SS बेदी, अन्य सदस्य शामिल रहे। कुलपति ने सभी को शासन के निर्देश के बारे में बताया और मानकों को लेकर बात की। पिछली बार किस तरह से छात्रों को प्रमोट किया था इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस वर्ष किस तरह से छात्रों को प्रमोट किया जाएगा इस संबंध में भी रिपोर्ट के लिए कहा है। उन्होंने भविष्य में इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए कहा जिससे परीक्षा न होने पर छात्रों का मूल्यांकन किया जा सके। ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये सारी सिस्टम आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन से भी एग्ज़ाम की तैयारी रहेगी अगले बार से, अभी इस बार से नहीं, ठीक है। यही लेटेस्ट अपडेट था, सारी चीज़ें बात हो चुकी है, अब रिपोर्ट जाने की तैयारी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए इन्फोपुर के साथ, सबसे तेज़ सबसे आगे।